नेपाल के सुप्रसिद्ध ठाकुर द्वारा मंदिर के पास ही बना हुआ ये थारू सांस्कृतिक संग्रहालय है। थारू जनजाति नेपाल तथा भारत के उत्तर क्षेत्रों में बसी हुई है और इस क्षेत्र का खास तौर पर थारू लोगों का अपना एक विशेष महत्व इसलिए है कि वो अपने आप में एक इंजीनियर माने जाते हैं। इस बैलगाड़ी की सुंदरता को देख करके आपको एहसास हो गया होगा कि ये जो थारू समुदाय के लोग हैं कितना शिद्दत से कितनी मेहनत से इसका निर्माण करते हैं। समान रूप से एक पात से दूसरी पात मिलती हुई और ये कृषि यंत्र हैं। सभी कृषि यंत्रों को आप बारीकी से देखेंगे तो पाएंगे कि एक बहुत बेहतरीन तरीके से थारू समुदाय के लोग इनका उपयोग करते हैं। इस संग्रहालय में थारू सभ्यता से जुड़े सभी चीज़ों को बहुत करीने से रखा गया है। ये उनके यंत्र हैं और ये पहनावे के चप्पल और खड़ाऊ हैं। धान कूटने की मशीन भी उनके पास। प्रत्येक जन्माष्टमी को थारू अपने दीवालों पर इस तरह से चित्रित करते हैं। उनके नाच गाने में मादल और ढोल ढोल तथा ये पिपेली होती है। इसके अलावा दैनिक जीवन में मछली मारने के ये सारे प्रकार के जाल होते हैं। ये चंडोल इसको कहा जाता है और ये दूल्हा बनने के समय पर इसमें दूल्हा इसमें बैठता है। ये दुल्हन के बैठने का है। ये थारुओं के पहनने वाले कपड़े हैं और कुछ चंडोल का आकृति कुछ इस तरह से होता है। इसमें महिलाएं लेकर के चलती हैं और बीच में इस तरह से चंडोल को लेकर के दूल्हे को साथ में लोग जाते हैं। थारू घरों में अनाज के संग्रहण के लिए बेहतरीन व्यवस्था होती है और विभिन्न प्रकार के इस तरह के डेहरियों का निर्माण थारू लोग करते हैं। खाना बनाने के विभिन्न प्रकार के बर्तन, खास तौर पर वो मिट्टी के बर्तन होते हैं। ये उनके अपना शराब जाड़ बनाने का बर्तन है। ये उनका पारंपरिक बर्तन है जिसमें विभिन्न प्रकार की चटनी पीसने के लिए और हुक्के का सामान हुक्का पीने के लिए व्यवस्था है इसके अंदर। ये थारू लोग अपने रुपए पैसे को रखने में इसका प्रयोग किया करते थे। ये इस पर चिराग रखते थे लोग और ये खास तौर पर मसाला पीसने का यंत्र होता था। एक आदर्श थारू परिवार काफ़ी बड़ा परिवार होता है और संयुक्त परिवार में ही वो लोग रहते हैं।